हिंदी दिवस पर भोपाल के रविंद्र भवन में राष्ट्रीय हिंदी भाषा सम्मान अलंकरण समारोह एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान 2022 से डिजिटल इंडिया भाषणी संस्थान नई दिल्ली को और 2023 का अमकेश्वर मिश्रा भोपाल को प्रदान किया गया। देखिए एक खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान 2022 का डॉक्टर हंसादीप टोरेंटो कैनेडा को और 2023 डॉक्टर अनुराग शर्मा पेंसिल्वेनिया अमेरिका को दिया गया। राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान 2022 अतिला कोतलावल श्रीलंका और 2023 का दागमार मार्कोवा चेक गणराज्य को दिया गया। राष्ट्रीय गुड़ाकर मुले सम्मान 2022 डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र मुंबई और 2023 का देवेंद्र मेवाड़ी नई दिल्ली को दिया। राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान 2022 डॉक्टर दामोदर खड़से पुणे और 2023 का डॉक्टर मनमोहन सहगल पटियाला को सम्मानित किया। हिंदी दिवस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, हमें पूर्ण अवलोकन करने की जरूरत है। अंग्रेजी आने के बाद भी पीएम मोदी हिंदी का गौरव बढ़ाते हैं, पीएम विदेशों में भी हिंदी के प्रभाव का एहसास करवाते हैं। 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रावधान किए। वो कितना सुंदर एक एक पंक्तियों के माध्यम से हमारे अंदर जो अपने राष्ट्रभाषा का गौरव जगाने वाले हमारे सभी कवियों ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर के सारे लोगों ने हिंदी की धारा के लिए, लेकिन मुझे और इस बात का आनंद आता है, आज़ादी के बाद भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का अभिनंदन करूँगा, जिनने संयुक्त राष्ट्र संघ के उस मंच पर हिंदी को गौरवान्वित करने का प्रयास किया। हमारे अपने राजनेता भी उस लाइन में उस भाव को पहली बार प्रकट करने का साहस उन्होंने दुनिया के सामने दिखाया, और मुझे अब और आनंद तब आता है जब यशस्वी प्रधानमंत्री, यद्यपि उनको अंग्रेजी आती है, लेकिन जब भी कोई मौका आता है और मौका किसी देश का विदेशी बैठा हो सामने या विदेश के किसी महत्वपूर्ण मंच पे हो, जहाँ भी होते हैं वहाँ हिंदी का गौरव बढ़ाते हैं। यह हमारा सौभाग्य यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम इतना आनंद आता है जब मोदी जी बोलते हैं सबके बीच में से, और हम सब इसका एहसास कराते हैं, और इसमें वाकई हम सब का, इस पूरे देशवासियों का ये गौरव और गर्व की बात भी। और अभी काल के प्रवाह में और उनके जो निर्णय, वो निर्णयों से हम और गौरवान्वित होना चाहेंगे। हमारे यहाँ भाषा का, बोली का, ये हमारे लिए काल के प्रवाह में अतीत की बातें हो गई। जब लड़ाने की बातें थी, हमारे एक राज्य से दूसरे राज्य को भाषा, बोली, लिपि के आधार पर लड़ाते थे, लेकिन माननीय मोदी जी ने 2020 में जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की और कहा कि हर भाषा, भाषाओं का गुलदस्ता है भारत, लेकिन इन भाषाओं की अगर आधार कड़ी कोई है, सेतु कोई है, तो वो हिंदी है, लेकिन उसका राजनीतिक दृष्टि से लोग उपयोग करके लड़ाने का काम करते थे। ऐसे में
हमारी सिंहल प्रदेश की बहन ने आकर के हमारे अपने पुराने उस चेन्नई और जिसको नाम क्या क्या देते हैं और सबको संदेश दिया है। और आज माननीय मोदी जी के माध्यम से हमारी सभी प्रकार की तकनीकी शिक्षा, कैसे आश्चर्य लगता, क्या क्या तर्क देते थे लोग पता नहीं। सीएम ने कहा कि पीएम ने हिंदी को सभी भाषाओं के लिए सेतु के रूप में परिभाषित किया। अलग अलग देशों में भी स्थानीय भाषाओं से डॉक्टर इंजीनियर बने। राम और कृष्ण के आगे श्री लगा हम गौरव महसूस करते हैं। श्रीलंका के आगे श्री लगा है। सबके माथे की बिंदी हिंदी, उसका गौरव हम महसूस कर रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। मैं अटल जी का अभिनंदन करता हूँ कि विश्व पटल पर उन्होंने हिंदी को गौरवान्वित किया। भारत भाषाओं का गुलदस्ता है। हर साल कार्यक्रम होगा। 17 लाख साल पहले का वो पराक्रम पुरुषार्थ और उस दौर के उस व्यवस्था के आधार पर भगवान राम का जीवन एक अलग प्रकार से जाना जाता, माना जाता है। और अतीत के इस कालक्रम में कई कई पीढ़ियां, कई हजारों लाखों साल के सफर के बाद भी ये कितना सुखद संयोग है, पूरे भारत की माथे की बिंदी हमारी हिंदी, उसका आनंद महसूस कर रहे हैं हम लंका से श्रीलंका। ऐसा लगता है कि भगवान राम का पराक्रम पुरुषार्थ जीवंत हुआ और थोड़ा समय घट गया था तो हिंदी की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे वाल्मीकि जी ने अपनी जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय दिया, जिसके माध्यम से आज हिंदी दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा में से एक भाषा का गौरव पाती है। यह हमारा सौभाग्य है। मैं आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और फूक से थूक तक संस्कृति मंत्री जी आपने भी पता का अच्छी फेराई आपको। संस्कृति मंत्री सुसंस्कृत हो जाए और संस्कृति की धारा को संस्कार के रूप में हमको एहसास करा दे, इससे अच्छा भाग्य क्या हो सकता है। ये सौभाग्य हमारा है। ऐसी कई सारी गलतियां हम करते हैं, लेकिन मैं हिंदी के इस भाषा सम्मान समारोह में उन सारे महापुरुषों को भी याद करता हूँ। माधव सप्रे जी से लगा करके रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, कौन कौन से नाम की बात करें, और इनके साथ साथ उन सारे महापुरुषों को भी याद करता हूँ जो खुद गैर हिंदी थे, जिनने आज़ादी में अपना बड़ा योगदान दिया। महात्मा गांधी हिंदी के सबसे प्रबल पक्षधर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये जब अच्छा समय आता, अनुकूल समय आता तो प्रतिकूलताओं में से ऐसी कई सारी अलग अलग प्रकार की धाराएं निकलती है, अलग अलग प्रकार की आशा और उम्मीद की किरणें निकलती है जो इस अंधकार में आकाश को जगमग कर देता है। ये हमारा सौभाग्य। उस दौर में जब चारों तरफ अंग्रेजी अंग्रेज थे और अंग्रेजों से उस पूरे वातावरण को अंग्रेजियत ने जकड़ रखा था, ऐसे में ये अलग अलग प्रकार के सूर्य की प्रकाश की रश्मियां निकल। कुल मिलाकर देखा जाए तो हिंदी दिवस पर भोपाल के रविंद्र भवन में राष्ट्रीय हिंदी भाषा सम्मान अलंकरण समारोह एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान 2022 से डिजिटल इंडिया भाषिणी संस्थान नई दिल्ली को और 2023 का अमकेश्वर मिश्रा भोपाल को प्रदान किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल।